अपने शब्दों में देना चाहूंगी कि देखा है मैंने पर कटे परिंदों को भी मंजिल पाते हुए, देखा है मैंने पर कटे परिंदों को भी मंजिल पाते हुए, बिना सुरताल की अपनी जिंदगी को रोज नया की गुनगुनाते हुए, महल मेरा जुनून ही काफी है आसमां को झुकाने के लिए, मैंने देखा है किस्मत की लकीरों का एक खेल, राजा को फकीर फकीर को राजा। कुछ लाइन्स जो उन्होंने पड़ोसी देश की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए कहा था कि हे घृणा अंधी न सहती रोशनी उसकी नजर है, वह ना यह भी जानती मस्जिद किधर मंदिर किधर है, वह बड़ी यदि तो दोबारा कारमा वीरान होगा, हम भले हों किंतु धरती पर ना अब इंसान होगा। तो ये सच्ची घटना है जो मैंने कहानी और कविता के रूप में एकत्रित करी है। ये घटना 8 अगस्त 2018 पवन पिथौरागढ़ के उत्तराखंड के मात्र 21 साल के लड़के जिन्हें बॉर्डर पर LOC पर पाकिस्तानी सैनिकों ने मार गिराया, तो उनकी माँ की कथा को प्रकट करते हुए मैंने इसको कहानी और कविता के रूप में लिखा है। सबसे पहले 8 अगस्त को जब उनकी माँ को एक स्वप्न आता है तो किस तरह से वो बेचैन हो स्वप्न में बड़बड़ाती हैं, बोलती हैं कि मन मेरा आज कुछ घबरा सा रहा है, मेरा लाल को मेरे लाल को क्यों नहीं आज कोई नींद से उठा रहा है, यह भ्रम है यह सच्चाई मामा कह वो मुझे बुला रहा है, ना जाने कोई भैरुपिया आकर उसके सीनों पर गोली क्यों छन्नी किए जा रहा है, खून से उसकी वो होली क्यों खेलता जा रहा है, कोई इंसान के रूप में बमबारू का मुझे नजर आ रहा है, दुश्मनों का वो टोला देखो उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा है, मेरा लाल मुझे पुकार रहा है, आंखें खोलो उसकी मुझे क्यों नहीं क्यों मेरा आज दिल घबरा रहा है। और उसी बड़बड़ाहट में जब वो उठती हैं तो वो सोचती हैं सिर्फ सपना था, क्योंकि हिंदू प्रथा में या फिर पहाड़ियों में यही माना जाता है कि अगर आप किसी की मौत को देखते हैं तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, तो फिर वो उठती हैं तो ये सोचती कि कोई उसे बताओ तो सही मुझे उसकी याद आ रही है, उसकी बातें मुझे क्यों आज इतना सता रही है, कब ये रक्षाबंधन आएगा मेरा लाडला कब घर आएगा, उसे लूट मैं भी अब जाऊंगी जैसे वो मुझसे आंख मिचोली खेलता है, मैं भी उसे अब ऐसे ही सताऊंगी, कहती थी उसे मत जा मुझसे दूर, कहती थी उसे मत जा मुझसे दूर, पर उसे तो देश की सेवा का सुरूर था, बहनों का प्यार माँ का दुलार भी उसे रोक ना पाया, बहनों का प्यार माँ का दुलार भी उसे रोक ना पाया, उसने खुद को एक सैनिक बनाया, कोई उसे एक फोन लगाओ तो सही मेरे लाल को कोई नींद से उठाओ तो सही। दूसरी पल जो बेलरिंग होती है और शायद पवन को भी कुछ ऐसा एहसास होता है कि शायद ये पवन सुबह चले ना चले, और उसका जो खत होता है उसकी माँ को देने के लिए वो कहता है, और माँ जब पढ़ती है तो उसमें ये लिखा होता है कि आज की रात तुझे आखिरी खत लिख रहा हूँ माँ, कि आज की रात तुझे आखिरी खत लिख रहा हूँ माँ, ना जाने ये पवन सुबह चले ना चले, तेरा आंचल मेरे सर पर कल हो ना हो, पर एक वादा कर माँ मैं रहूँ ना रहूँ, पर एक वादा कर माँ मैं रहूँ ना रहूँ, दिवाली का दिया तू फिर भी जलाना माँ, जन्मदिन मेरा हर साल तू फिर भी मनाना माँ, बहनों की राखी को तू खाली मत जाने देना माँ, वादा मैंने आज अपना पूरा किया और तेरा सर मैंने गर्व से ऊंचा किया। और उसी पर छज्जे में लिखती हुई वो उसकी लाश जब घर तक आती है शहीद की, तो उसे विश्वास नहीं होता है, उसकी माँ के जो वो पल होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि कोई रोको उसे, उसे उसने कुछ खाया नहीं है, कोई रोको उसे उसने कुछ खाया नहीं होता है, उसे ये तो बताओ मैंने उसकी दुल्हन का जोड़ा सजाया है, मेरे बहादुर बेटे को कोई क्यों चार कंधों पे उठाए जा रहा है, मेरे बहादुर बेटे को कोई क्यों चार कंधे पे उठाए जा रहा है, झंडे में लिपटा हुआ उसके रूप में कौन सा सच मुझे नजर आ रहा है, अरे उसे लोरी तो सुनाने दो, अरे उसे लोरी तो सुनाने दो, उसे बच्चा कह मुझे बुलाने तो दो, फिर आंख आंख मिचोली का ये खेल खत्म हो जाएगा,
फिर आंख मिचोली का ये खेल खत्म हो जाएगा, मेरा ये शैतान खुद मुझे धप्पा कह जाएगा। ना जाने क्यों सब रोए जा रहे हैं, ना जाने सब क्यों रोए जा रहे हैं, किस बात का ये शोक मनाए जा रहे हैं। ये शैतान अब सबको कैसे डराएगा, ये शैतान देखो अब सबको कैसे डराएगा। चुपके से उठ अब ये अपनी माँ की गोद में आएगा, लाड प्यार जताएगा, मेरा पवन लौट आएगा। कैसे करके उन्हें समझ में आ जाता है कि पवन के बीच में नहीं है, और वो एक शहीद की माँ है, तो वो किस तरह से लास्ट में ये वर्ड बोलती है कि जाओ कह दो उन्हें कि गर्व है मुझे अपने बेटे पर, कि कह जाओ कह दो उन्हें कि गर्व है मुझे अपने बेटे पर। पीठ ना दिखाई उसने सीने पर गोली है खाई, पीठ ना दिखाई उसने सीने पर गोली है खाई, सर मेरा गर्व से ऊंचा उठ जाएगा, शहीद की माँ जब मुझे कोई कह जाएगा। कोई तो समझाओ इन्हें, कोई तो समझाओ इन्हें कि हर सैनिक के रूप में मेरा पवन लौट आएगा।